पेश किए तो अपने गीतों के नाल भी आपां निहाल किया जिन्हां दे सदका इन्ना वड्डा प्रचार होया कि अज आपां लखां दी गिणती दे विच कट्ठे होए इत्थे बैठे आ जिन्हां दे विच सत्कारयोग जोगराज सिंह जी भी आए बैठे है क्योंकि ये साडे बलकीत राणी जी दे इक सद्दे दे उत्ते जिहड़े भी धरने ते बुलाया उसे धरने ते आके अपने किसानां नूं विचार साझे करदे रहे तो मैं सारे ही कलाकारां दा आउण दा धन्नवाद करदा होया बब्बू मान जी नूं बेनती करांगा वो मैक ते आउण अरे इससे कोई गाने वाने सुन लेना कुछ ये कलाकार बहुत दिन में मिलते हैं। देखो जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो उनके आगे भी गाने क्रांतिकारी गाते थे लेकिन आज क्रांतिकारी नहीं अब तो शांति की बात अपील करो और एक आधा कुछ सुना भी दियो इनको ये सारे नौजवान सुनना चाहते हैं। हाँ जी जे दो गाते फिर सामने औखे हो जाने फिर अज आप शांति रखी कोई नहीं थोड़े ना वादा आप जित लिए फिर यूपी भी पा देंगे किदा हाँ पा के आवेंगे पूरा सारे वालों मेरे तो जेडे वड्डे कलाकार सीनियर जेडे छोटे हैं वो साड़ी यूनियन तक कदे बनी नहीं पाए एक किस्म की यूनियन है समझ लो सो ये सारे वालों आप सारे सत श्री अकाल कैमरे वाले भाई सैड हो जाया बह जा पिछे वाला मुंडा हो थोड़ा गुस्से च हाँ जी आप सारे एको है इस तरह आप बखरे में ना पैदा करिए मैं भी थोड़ा तुसी भी मेरे हैं अपने बिच कोई भी नहीं पहली बेनती मैं मिलके जाना थोड़ा सारा मिलकर दो मिनट दो शांति ना एक ऐ नहीं ना गल बड़ी हाँ दो मिनट दे दो हाँ आ गया मैं तेरी तेरी मंग भी सुन दा मैं तेरी भी सुन दा थले कर लो फिर मैं ता ही सुनूंगा जे तुसी ऐ करदे रहोगे मैं तो बोल नहीं होना फिर मैं गला बोल लूंगा जिहड़े कर सो सारे कलाकारां वल्लों आप दे चरणा च सत श्री अकाल राम राम सलाम दूजी गल ये बेनती है क्योंकि मेरे तो कह ही हो जाता है भाई ये अंदोलन असी जित लेना आप सारे ने थानू असी ये जिम्मेदारी संभाली है सारिया यूनियनों थोड़ी बदौलत अच सारा भारत इकट्ठा हो गया पर बेनती है भी ये धरने तो लगते रहने क्योंकि इस मुल्क का सुधार होना नहीं एड्डी छेती सो अगली बारी सानू संयुक्त ना लाना पवे एको यूनियन बना लो कट्ठे होके मेरा वीर इन्हां दे नां ते इक जकारा ला दो बोले सो निहाल है जी पूनिया जी की हाल है आओ पहले तुसी बोलो नहीं नहीं ओ आ जा कोई नहीं घर दी स्टेज है बस बोल सारयां नूं सत श्री अकाल मेरा नाम मनदीप पूनिया है मेरे को 30 तारीख को पुलिस ने उठाया था और तिहाड़ में बंद किया था मैं पत्रकार हूं सत श्री अकाल 29 तारीख को जो आगे वाली स्टेज है वहां पर जब कुछ बीजेपी के लोग पत्थर मारने आए किसानों को तो मैं वहां से रिपोर्ट कर रहा था और मैंने उनकी वीडियो बनाई और साथ में मैंने उन लोगों की पहचान की जो किसानों के ऊपर पत्थर मार रहे थे पेट्रोल बम फेंक रहे थे उसकी रिपोर्ट करने के कारण बीजेपी सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया और तिहाड़ में भेज दिया अभी मुझे बेल मिली है और मैं आपके सामने हूँ बब्बू मान साहब को सुनना चाह रहे हैं आप लोग तो आप सर ए पत्रकारी की मिसाल है इस नौजवान ने तशद्दुद चलिया बड़े उतरा चढ़ाव ने होने किसी भी अंदोलन च जिन्हां दी जान गई है वो साढ़े छोटे भरा है उन्हां दा सानू बहुत ज्यादा अफसोस है और आपां सारिआं दी जिम्मेदारी है कि उन्हां परिवारां नाल आपां डट के खड़ना है और जिन्हें भी साढ़े नौजवान जिहड़े चक्किआ पुलिस ने साडे यूनियन ते साडे वकील कोशिश करन उन्हां नाल राबता करके उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी घरे वापस लिआंदा जावे परमात्मा करे आपां इक इक चीज दिमाग च पा लिओ कि जिन्ना चिर शांत है उन्ना चिर साडी जित है जदों असीं कोई भी हील हुज्जत करांगे
तो साड़ी हार यकीनी है। वो एक होल या ये अंदोलन की रूपरेखा साढ़े मुल्क च इस तरह शुरू होया 1800 के आस पास यूरोप जो हथियारबंद घोल फेल हो गए सी तो उदो एक रास्ता निकलिया जिदे चो फिर हौली हौली कॉम्युनिज्म निकलिया। सो ये दुनिया का सब तो बेहतरीन एक तरीका बन गया कि शांतिपूर्वक अपन मंगा मनवा। दूजी ये है बी ए सबर परखना सरकार ने थोड़ा तो तुम सरकार का परखना सबर ना बैठे रहेंगे तो जित जावे क्योंकि हौली हौली अज एक बड़े बड़े मंत्री ने भी बयान दिता है खैर अपनी पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने दिता है कि इस तरह भी शासन नहीं चलाया जा सकता जेडे शांतिपूर्वक धरना लाना चाहते हैं उन्होंने इस तरह से उन्होंने नजायज नहीं कर सकते बल्कि चाहिए तो यह है कि जेडे धरने पर बैठे हैं इन्हों का फूड पानी इन्हों के रहन सहन का इंतजाम इन सरकार को करना चाहिए। दूजी गल जो असं बिजली वरतते हैं तो वह कहने जी बिजली वरतते हैं जी जे साडे खेतों जो तुम खंभे ला सकते हो फिर असं बिजली भी वरत सकते हैं ये साडा हक है। सो कट्ठे रहना है कल्ले कल्ले नहीं होना। पत्रकार वीरां नूं मैं तां बेनती करता हुंदा है क्योंकि जिन्ने भी यूट्यूब ते चैनल बने हैं हाँ सैट है जोर ला फिर खोल मारे जिंदाबाद जिंदाबाद। बेनती यह है बी जिहड़े पत्रकार वर्ग है कि किसी भी अंदोलन या मुद्दे ते दो राया ना बनाया करो वीर बन के। दो राया जो बन गई अपनिया तो आप लूज कर जाएंगे पूरी दुनिया अपन देख रही है। दो राया ना बनाओ जे थानू लगता है मैं या थोड़े चो आप कोई गुना गुस्ताखी या गुनाह करे तो यदा निर्णय बाद च बैठ के हो जूगा। जिन्हें भी पत्रकार भाईचारे के सवाल है तुसी सारिआं नूं एक स्टेज पर आमंत्रित कर लेंगे आप इकट्ठे होके जथेबंदियों के प्रधान भी बुला लेंगे। एक दूजे ते दूषण लाने की अज के युग च लोड़ नहीं क्योंकि अजक लाइट डिटेक्टर आ जाता है तो नाले नारको टैसट हो जाता है। थोड़ा लगता है जोड़ा झूठ बोलता है वो एक टीका लाया आराम उन्हें सुते पे जिन्हें दसी जाना भी मैं आ कर ये इन्ना रौला तो तलखी कहते हैं। सो मैं लगता आप इन्होंने चीज़ों के उपर उठीए सारे ही साढ़े हैं एक एक पंजाबी कीमती है यहूदियों तो सबक सीखो जो उन्होंने हादसा होंगे तो धरती से जोड़ा खून डिगदा है वह पट के बजरी लै जाने कहते साडा खून है बड़ा पवित्र है कदे साडे च इस तरह होगा जिधर साडे च इस तरह होने लग गया थानू कोई भी नहीं हरा सकता। ये राज भाग थोड़े है कमजोरी थोड़े च भी है साडे च भी है। नौजवानों सियासी पक्ष तो सोचना पेगा हर नौजवान को सोचना पेगा कि सियासत किधर जा रही है। अज थोड़े एके ने यह हाल करता कि सियासतदान सड़कों पर निकल नहीं सकते अज वोटा मंगण जाने तो लोग जवाब मंगते हैं। सो ये थोड़ा एक है एक ना छोड़ो मेरा भीर बेनती है रल के आप रहना एक है आप जे थानू लगता है किसी च कोई कमी है चाहे जथेबंदियों के प्रधान है चाहे मेरे वर्गा या आम या कोई भी सज्जन तुसी उन्हें बिठा के पूछ सकते हो बाद पर अजे फिलहाल अपना सारा दा इक्को राय अंदोलन जारी रहेगा जित के वापस जावांगे जितते बिना वापस नहीं जाते। पहला तो यही मंग उठी सी भी साडियां जिहड़ियां कणक ते जीरी दा मुल तय करिया जावे पर हुण साडी मंग यह भी है कि मूंगी मसरी तोड़िया सरों गोभी सरों सारिआं दा मुल तय करिया जावे ते मंडियां पक्कियां बनाई जाण ताकि किसी किसान नूं रोलना ना पवे। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।